हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। मैं ऑफिस में हूँ और हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत मस्त वाला एक गाना चल रहा था। जैसे ही वो गाना चला ना तो मुझे आप सबकी याद आ गई। आप सब भी मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? याद करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और मैं तो आप सबको बहुत याद करती रहती हूँ। एक्चुअली स्टूडियो साउंड प्रूफ होता है ना, तो इसलिए बाहर अंदर तो गाना चल रहा है, बहुत फुल वॉल्यूम में चल रहा है, पर मैं बाहर आ गई। मैंने कहा कि नहीं, गाने की आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। तो आप सब इस समय से लेकर के आगे जब तक वीडियो बनता रहेगा मेरे साथ बने रहिएगा और यूँ ही अपना प्यार जो है मुझे दिखाते रहिएगा। बाकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ होती है, कैसे होती है, कुछ समझ में नहीं आता है ना। उसी तरीके से वीडियो की शुरुआत कब कहाँ करने का दिल कर जाता है ये भी बिल्कुल ही पता नहीं है। और कसम से मैं कह रही हूँ आपको, कोई प्लानिंग नहीं होती है कि मुझे कब वीडियो की शुरुआत करनी है और दिन भर आज मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ पता नहीं होता है। जैसे जैसे क्रियाकलाप जिंदगी में, दिन भर में, दिनचर्या में आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, तो बस एक जिंदगी में ऐड ये हो गया है कि जब कुछ खास करने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा चलिए, एक हाथ में भी ये कैमरा लेती हूँ, मोबाइल और लेके खड़ी हो जाती हूँ या लगा देती हूँ स्टैंड पे कि ये छोटी सी एक क्लिपिंग ले लेती हूँ। बस ये एक ऐड हो गया जिंदगी में, वरना जिंदगी जैसे चल रही थी और जिस तरीके से उसी ऑनेस्टी से जैसे मैं रहती हूँ, जैसे खाती हूँ पीती हूँ, वही सब चीज़ आप सबसे शेयर करती हूँ। और इसी में तो आनंद है ना। हर जगह अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक बनावट करने लगे, बिल्कुल तैयार हो जाएं और ऐसे ऐसे करके, तो फिर क्या फ़ायदा है। और उस तरीके से तो तैयार करने के लिए हम पिक्चर देख सकते हैं ना जा करके, कि अच्छी अच्छी पिक्चर आती है, उसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं, बिल्कुल सजी धजी सी, बिल्कुल मेकअप किए हुए। और मैं ऐसी ही रहती हूँ, बिल्कुल ही मेरा मेकअप नहीं है। हाँ, एक काजल का मेरे शौक है और काजल लगाए बगैर मैं नहीं रहती हूँ, वो भी कभी कभी स्किप कर जाती हूँ। आपने देखा होगा इतने दिनों से आप सब हमारे साथ साथ हैं, तो ऐसी ही मैं हूँ, यानी आपकी सरिता ऐसी ही है। आप सबका स्वागत है मेरी जिंदगी में, मेरी दुनिया में। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए। बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है सच्ची, और मेरे मुझे तो कोई बिठा दे बात करने के लिए तो मैं सारा दिन बात कर सकती हूँ, पर बाहर निकलना, घूमने जाना, ये सब उतना पसंद नहीं आता है मुझे। फिर भी ये सब सिर्फ अगर मैं करती हूँ तो आपके लिए कर रही हूँ, वरना घर का काम करते रहना मुझे अच्छा लगता है। देखती हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं थोड़ा घर से निकलने की सीख अपने अंदर डालूँ, अकेले बाजार जाना भी शुरू करूँ। आसपास में बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं, बहुत सीपी मार्केट है, यहीं पे चांदनी चौक है, करोल बाग है, सब जगह हम जा सकते हैं यहाँ से बहुत, मतलब क्विकली। अगर मान लीजिए गाड़ी लेके नहीं आप जाना चाहते हैं तो थ्री व्हीलर चलती हैं, बसें हैं, मेट्रो है, बट नहीं, लेकिन मैं आप सबके लिए जरूर अब सीखूंगी अकेले बाजार जाना। साथियों, छुट्टी हो गई मेरी ऑफिस की और अब मैं घर के लिए बिल्कुल निकल चुकी हूँ। देख रहे हैं अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे क्या हालात है, सड़कें सन्नाटे से भरी हुई है। इक्की दुक्की हमारे ऑफिस के स्टाफ हैं, वो वॉक कर रहे हैं इतनी गर्मी में, लेकिन मैं अब अपने घर के लिए निकल चुकी हूँ। चेहरा देख रहे कैसे लाल लाल हो रहा है मेरा। चलिए मैं घर चल के मिलती हूँ आपसे। भाई खाना लग गया है और भूख लगी है बहुत तेज और दिन के 2:15 बज रहे हैं, तो बस हम खाना खा रहे हैं। देखिए ये सारी चीज़ें रोज़ वाली ही है, ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। सैलड है, दाल है, आलू बैंगन की सब्जी है, सैलड है, चावल है और चपाती है। तो मैं भी खाने के लिए अब बैठ रही हूँ, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। एक तो लाइट इतनी ज़्यादा आजकल जाने लग गई है, ओहो, पर्दा हटा के तो जीना दुश्वार हो जाता है। 4 बज रहा है और लाइट फिर से चली गई है, इतना ज़्यादा। अभी मैं भी कमल से कह रही थी कि इतनी ज़्यादा मतलब परेशानी होती है। अब कमरे से निकल आई हूँ क्योंकि कमरे में अगर फैन चल रहा है तो इतने धीरे 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 इन्वर्टर से कितना चलेगा, क्या होगा, उतना मुश्किल होती है। तो फिश एक्वेरियम की लाइट और फैन है वो तो नहीं ऑफ करती हूँ क्योंकि फिर मछलियों को परेशानी हो जाएगी, पानी में ऑक्सीजन बनता नहीं है ना अगर बबल्स नहीं निकले तो ये सारी परेशानी है। और वही कमल कह रहे थे कि लोड इतना ज़्यादा पड़ जा रहा है क्योंकि दिन भर इस टेम्परेचर में 45 डिग्री,
46 डिग्री टेम्परेचर में लोग ऐसे तो बैठते नहीं है, हर कोई एसी चला के बैठ रहा है, तो एसी चला के अगर आप बैठेंगे तो लोड तो ज़्यादा पड़ेगा ही, और ऐसी स्थिति में कटौती हो रही है। मतलब बहुत सालों से मैं देख रही थी कि लाइट की कटौती बिल्कुल ही नहीं होती थी, लेकिन अभी अभी लाइट जा रही है, और हमारे जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो आधा घंटा तो मिनिमम लाइट जो है एक बार कट रही है तो जा रही है, और दिन भर में 2-3 बार ऐसे लाइट चली जा रही है। बाहर का एक नज़ारा आपको दिखाती हूँ, आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन भी बंद पड़ा हुआ है, कोई भी बंदा इक्के दुक्के एक आध गाड़ी वगैरह जाते हुए नज़र आती है, लेकिन कोई भी इंसान जो है ना आपको नज़र नहीं आ रहा है सड़क पे, सब के दरवाज़े बंद हैं, सब अपने अपने घरों में हैं। इतनी बुरी स्थिति गर्मी की, हमने सोचा नहीं था कि इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और साथ ही शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अपनी पोजीशन में आके बैठ गई हूँ, आपको यहीं पे मिलूँगी शाम के टाइम में झालमुरी खाते चाय पीते हुए, और कहीं भी कोई भी आ जाए घर में सामने, बिल्कुल यहाँ से एक्चुअली दरवाज़ा सामने का पड़ता है ना, तो ये मेरी पुरानी आदत है, मैं इसी जगह पे अपने इस पलंग पे बैठी रहती हूँ, मैं चेयर वेयर में भी कहीं नहीं जाके बैठती हूँ, और अभी सही में मैं झालमुरी खा रही हूँ, और मेरा फेवरेट है इवनिंग का स्नैक्स में, और चाय साथ में पी रही हूँ, और झालमुरी चाय पी के, और 6 बजे तो भाटिया साहब नहा के अभी निकल के अपने कमरे में गए, मैंने उनको कहा कि खा लो थोड़ा सा, कहते नहीं तुम ही खाओ, तो इस टाइम उनको छेड़ना बहुत मुसीबत मोल लेने वाली बात है, तो आराम से अपने कमरे में बैठ के वो पी रहे हैं चाय, और मैं यहाँ पे झालमुरी चाय पी रही हूँ। अब ये खा के नाश्ता वाश्ता करके फिर अब छत पे जाऊंगी और 1-1.5 घंटा आराम से छत पे सारा काम करूंगी जो पेंडिंग वाला है, एक दिन में अभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, और आप सबको मैं रोज़ रोज़ खींचती रहूंगी अपने साथ, जब तक आप सब मेरे साथ छत पे टेरेस पे मेरे नहीं घूमते रहेंगे, मुझे नहीं बताते रहेंगे कि ये करना है, तब तक मैं उस काम को चलाती रहूंगी, और जब आप साथ रहेंगे तो जल्दी ही सारा काम भी निपट जाएगा। तो चलिए चाय पीते हैं हम और आप सब मिल करके, और खाते हैं झालमुरी। तो साथियों अभी अब 7 बज गए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्लांट्स को अब ठीक करना शुरू किया है, सारे गमले वगैरह बहुत सारे टूट टाट गए हैं, तो इन्हें मैं ठीक करने में लगी हुई हूँ, और पीछे की तरफ आपको दिख रहा है बहुत सारा काम अभी हो गया है, फिर भी बहुत सारा काम अभी बाकी है। अब ये बताइए कि 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी अगर होगी तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, और हमारे ये प्लांट्स क्या करेंगे। फिलहाल तो जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि पौधों को बचाया जाए, और अब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ सुबह से, थोड़ा थोड़ा काम करते करते ऑफिस से लेके सुबह 5:55 से लेके अभी तक कुछ हो ही रहा है। इस टाइम मैं बिल्कुल स्टॉप करती हूँ, कल मेरे दिन की ड्यूटी है, फिर कल अर्ली मॉर्निंग आ करके जो भी काम इधर उधर फैला हुआ है इसको सबको पूरा करना है, और फिर आपसे मिलना है। तब तक आप सब अपने बहुत सारा सेहत का ख्याल रखिए, गर्मी से अपने आप को बचा के रखिए, ठंडा वंडा पीते रहिए, है ना, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय।